आ रही है, आप लोग ये सेक्सी फिल्में, ये फिल्मों को इतना यू नो सपोर्ट करते हो, बट धार्मिक फिल्में आती है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबको थिएटर में जाना चाहिए। मैम आदि पुरुष को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई, राखी मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी फिल्म को लेकर? आदि पुरुष जो एक फिल्म है वो बहुत अच्छी फिल्म है। भगवान राम, सीता, रावण, विभीषण, ये सब अलग अलग कैरेक्टर जो बॉलीवुड स्टारों ने निभाए हैं। मैंने भी आज सुबह ही उठ के पहला शो देखा है। जी जी, क्या बात है, फर्स्ट शो 12 बजे का जी। मैंने कहा इतनी पावन फिल्म आ रही है, आप लोग ये सेक्सी फिल्में, ये फिल्मों को इतना यू नो सपोर्ट करते हो, बट धार्मिक फिल्में आती है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबको थिएटर में जाना चाहिए। मैम लेकिन काफी ट्रोलिंग हो रही पिछले 48 घंटे से फिल्म को लेकर, बुराइयां की जा रही VFX को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप नेगेटिविटी फिल्म के लेकर? दोस्तों यहाँ बुराई किसकी नहीं होती जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो इन्होंने इतनी मेहनत करके चाय बना बना के बने, उनको ही ट्रोल किया जाता है, तो ये तो सिर्फ फिल्म है जी जी, डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे जो आगे देखो, पत्थर वही पड़ता है जिस पेड़ पे फल उगते हैं। तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है इसलिए क्रिटिसाइज तो करेंगे, शायद वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जिनको बैगे पैसा भर के नहीं पहुंची है, वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जिनको सिर्फ नंगापन पसंद है। ये धार्मिक चुप रहे, ये धार्मिक फिल्म है, जाकर थिएटर में सब लोग देखो। थैंक यू राखी। और बाहुबली के हीरो को मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, कीर्ति जो है हमारी हीरोइन, और रावण का जो रोल किया है सैफ अली खान जी ने, इतना बढ़िया स्टार कास्ट हुई है, और हम लोग अप्रिशिएट ऐसी फिल्मों को नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए आप। राखी फिर से सरलीन ने आपका मजाक उड़ाया है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि बियर बारों में, क्लबों में जाके आप लोग ऐसे ही जाके नाचते हो और पैसे उड़ा के आते हो, उससे अच्छा शर्म करो, अपने पाप धो और ऐसी जो फिल्में हैं इनकी टिकट खरीदो और जाके फिल्म को सुपरहिट करो। क्या बात, थैंक यू ऑल, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू।